फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि पावर बीआई का डैशबोर्ड कैसे बनाना है पूरा। तो बेसिकली बनाने के बाद ऐसा दिखेगा डैशबोर्ड हमारा। तो हम इसमें आज सीखेंगे कि पावर बीआई का स्टार्टिंग टू एंड डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करना है रिपोर्ट से, एक्सेल की रिपोर्ट से। तो वो आज हम सीखेंगे पूरा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। इसमें हम कवर करेंगे कि ग्राफ्स कैसे बनाना है, डेट एंड टाइम का स्क्रॉलर्स कैसे लगाना है और कुछ बेसिक टूल्स। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके पीसी या लैपटॉप में आपको पावर बीआई ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो उसमें आपने होम टैब में जाके जाना है। उसके बाद गेट डेटा पे क्लिक करके आपको हम आज एक्सेल से डेटा पावर बीआई में लाएंगे, तो एक्सेल को पहले हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको किसी और से लाना है तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे हमारी फाइल पड़ी हुई है, तो हम डेस्कटॉप से हमारी जो फाइल है हमको क्लिक करके और ओपन कर लेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पावर बीआई का डेटा कैसे पावर बीआई में डालते हैं, एक्सेल का डेटा कैसे पावर बीआई में एक्सट्रैक्ट कराते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपको सीखना हो एग्जैक्ट उसका पूरा, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। अभी हमारी ये एक्सेल में जो टेबल है वो ओपन हो गई है। टेबल टू हमारी जो फाइल है जो हमको इसके अंदर लेके आना है पावर बीआई के अंदर, ये डेटा हमारा दिख रहा है। अब इसको हम लोड कर लेंगे। ठीक है, ये डेटा लोड हो रहा है हमारा। ठीक है, अभी ये राइट साइड में आपको दिखेगा कि डेटा लोड हो गया है। टेबल टू के नाम से हमारा डेटा था वो आ गया। जो डेटा के अंदर जो रोज थी वो भी यहाँ पे दिखने लगी है। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देंगे। कोई भी डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले उस डैशबोर्ड का हमको नाम देना होता है। तो वो नाम आप कैसे देंगे, आपको जाना है होम पे। होम के अंदर जाके आपको एक यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। तो आप यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक इंसर्ट के अंदर भी आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इंसर्ट के अंदर वाला ले रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स। इसको हम जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करोगे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा यहाँ पे। अब इसके अंदर हमको हमारे डैशबोर्ड का नाम देना है। तो जैसे आगे आपको एक स्टार्टिंग में फोटो दिखाई थी मैंने ये वाली, कि ऐसा हम डैशबोर्ड बनाएंगे आज, तो इसका नाम है व्हीकल ट्रिप डैशबोर्ड। तो हम इसका नाम भी वही दे देंगे, व्हीकल ट्रिप डैशबोर्ड। एक कुछ एरर आ रहा है, इसको पहले हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से इस एरर को कट कर दिया। ठीक है, ओके, इसका कल डैशबोर्ड। ठीक है, ये हमारा नाम लिख दिया हमने डैशबोर्ड का। तो इसको हम क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, सेंटर में कर देंगे, और इसका हम साइज को बड़ा कर देंगे। साइज बड़ा, इसको थोड़ा साइड में करना पड़ेगा। यहाँ पे साइज बड़ा कर देंगे हम अराउंड 44। ठीक है, ये हो गया। अभी इस जो लाइन एडजस्ट की थी हम इसको कम कर देंगे, क्योंकि हमको नीचे बहुत सारा डेटा भी डालना है। तो ये हमारे डैशबोर्ड का नाम हो गया। इसका कलर हम कर देंगे व्हाइट। व्हाइट करने से ये दिखेगा नहीं, आप देखिए नहीं दिख रहा ना नाम इसका। तो अभी इसका हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड ब्लैक कर देंगे। तो आपको फॉर्मेट में जाना है, जो कि राइट साइड में दिखेगा, वहाँ पे इफेक्ट में जाके आपको जो बैकग्राउंड कलर है वो कर देना है ब्लैक। ठीक है, तो आपका ये डैशबोर्ड का नाम दिखने लगा। देखिए, हम लोगो और स्लाइसर लगाएंगे डेट का। तो मैं आपको दिखाता हूँ लोगो और स्लाइसर कैसे लगाना है। आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद आपको इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे आपका जहाँ भी लोगों की फोटो पड़ी है आपको उस पर क्लिक करके और जस्ट ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपके पावर बीआई के ऊपर वो लोगो दिखने लगेगा। आप उसको रिसाइज कीजिए। रिसाइज करने के बाद आप उसको जहाँ भी आपको लगाना है उसको एडजस्ट कर देंगे। अभी जैसे मुझे यहाँ लगाना है, तो मैं उसको ऐसे एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगो, आपका कोई भी लोगो हो आप लगा सकते हो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे स्लाइसर, कि स्लाइसर कैसे लगाना है। स्लाइसर लगाने के लिए आपको देखो स्लाइसर का लोगो ऐसे होता है। तो आप विजुअल में आइए और स्लाइसर पे क्लिक कीजिए। स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद ये आपके डेस्क पावर बीआई पे स्लाइसर दिखने लगेगा। अब इसके अंदर डेटा कुछ नहीं दिख रहा, तो स्लाइसर के अंदर हम डेट डालेंगे जो हमारे फॉर्मेटिंग में है। स्टार्ट डेट, इस पर क्लिक करेंगे और ये आ गई हमारी डेट। डेट आने के बाद इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, रिसाइज कर लेंगे। सबसे पहले सब इसका हम बैकग्राउंड सेट करेंगे। बैकग्राउंड जो है हमको ब्लैक रखना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, विजुअल फॉर्मेट में जाएंगे, और वहाँ पे जनरल में जाने के बाद इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट के अंदर हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये ब्लैक कलर आ गया।
अभी हमको जो विजुअल्स हैं इसके, मतलब जो डेट दिख रही है, स्टार्ट डेट लिखा ही है, इस पे हमको कलर करना है। तो विजुअल हम कर देंगे, जो स्लाइसर हेडर है वो हम कर देंगे बंद, और वैल्यूज का कलर कर देंगे वाइट, तो हमको ये अच्छे से दिखने लगेगा। ठीक है, वाइट करते, देखिए अभी दिखने लगा अच्छे से। इसके बाद हम जाएंगे स्लाइडर, स्लाइडर के अंदर हम क्या करेंगे, इसका जो कलर है हम कर देंगे वाइट। वाइट करने के बाद देखिए स्लाइडर भी दिखने लगा अच्छे से। ठीक है, अभी हम इसका क्या करेंगे, जनरल में जाके इसका टाइटल ऑन कर देंगे, जिसमें हम ऊपर लिख देंगे डेट। ठीक है, ये टाइटल हमने ऑन किया, टाइटल के अंदर टेक्स्ट लिखने का आ रहा है, वहाँ हम लिख देंगे डेट। डेट लिखते ही आप देखिए ऊपर डेट लिखा हुआ आ गया, बस अब इसका हमको कलर वाइट करना है, वरना दिखेगा नहीं। वाइट कर दिया और इसको सेंटर में कर दिया, तो ये दिखने लगा। अभी हम इसकी साइज करेंगे छोटी, थोड़ी सी छोटी करने के बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया है, ये थोड़ा ओके। तो ये हमारी डेट दिखने लगी है। ठीक है, इसको हम साइड से भी थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि ये अच्छे से दिखने लगे, और इसको हम थोड़ा इस तरफ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी डेट का स्लाइसर हमने बनाना सीख लिया। तो स्क्रॉलर पर क्लिक करना है। स्क्रॉलर वैसे जनरली विजुअल में होता नहीं, जब पावर बी आई रहेगा आपके पास, तो आपको क्या करना है कि इसको या तीन डॉट पर क्लिक करके गेट मोड विजुअल में जाके स्क्रॉलर को लेके आना है। स्क्रॉलर इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अभी हमने ऐड करवा दिया है इसको यहाँ पे। इसके अंदर हम डेटा जो डालेंगे वो ट्रिप नेम डालेंगे, ट्रिप नेम डालेंगे, और मेजर्स भी सीखे हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, ये आ गया, देखिए ट्रिप नेम आ गया हमारा, और ये स्क्रॉलर की तरह चलने लगा है। अब इसकी हम फॉर्मेटिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। सबसे पहले इसका हमको टाइटल ऑफ कर देंगे, टाइटल की हमको कोई जरूरत नहीं है। फिर हम विजुअल्स में जाएंगे, स्क्रॉलर के अंदर इसका हम थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बड़ा कर देंगे। ठीक है, ये साइज हमने इसको 42 के अराउंड कर दिया है, 43 कर दिया है। ठीक है, इसको ब्लैक कलर ही रहने, बैकग्राउंड व्हाइट ही रहने। अगर स्पीड बढ़ाना है तो हम यहाँ से स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं, देखिए स्पीड बढ़ गई जैसे स्टेशनों पर चलता रहता है। ठीक है, तो हम इसकी स्पीड थोड़ी कम कर देंगे। ठीक है, 5.45 की स्पीड कर देंगे, या और कम कर देते हैं, इसमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये 3 की स्पीड काफ़ी है। अब इसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, इसको हम सबसे लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको लेके जाएंगे नीचे की तरफ, और इसको हम यहाँ से बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर से बड़ा कर देंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा लगने लगे। ठीक है, ये हमारा स्लाइसर एडजस्ट हो गया। इसमें कुछ था नहीं, बस आपको गेट डेटा पे जाना है, गेट मोर विजुअल्स पे जाना है, वहां से स्लाइसर को डाउनलोड कर लेना और लगा देना है। अभी हम चार्ट बनाएंगे, चार्ट कैसे बनाना है वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारे जो विजुअल्स है इसमें जाना है आपको, जो ये गोल वाला चार्ट है आपको ये ले लेना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा पावर बी आई के ऊपर। फिर आप इसके अंदर डेटा डालना है, जो हमको डालना है इसके अंदर ट्रिप और ट्रिप का काउंट। तो हमने पहले ट्रिप सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ट्रिप को हम डाल देंगे वैल्यूज के अंदर। तो ठीक है, हमारी ये वैल्यूज आ गई। अब इसकी हम करेंगे फॉर्मेटिंग, ये हमारी वैल्यू दिखने लगी। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले इसका कलर चेंज, बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज करेंगे। तो आपको वही सेम विजुअल फॉर्मेटिंग में जाना है, वहां पर जाने के बाद जनरल के अंदर जाके, इफेक्ट के अंदर जाके, और आपको बैकग्राउंड का जो कलर है आपका वो चेंज कर देना है, उसको कर देना है ब्लैक, क्योंकि हम ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ही बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लैक पूरा कलर। अभी सबसे पहले हम, अब इसके बाद हम करेंगे टाइटल। ठीक है, तो टाइटल का हम नाम लिखेंगे पहले, तो यहाँ पे कि हम इसका डेटा क्या दिख रहा है, उसका हम नाम क्या देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे देंगे हम ट्रिप वाइज डेटा। ठीक है, तो ये ट्रिप वाइज डेटा आ गया। इसका हमको जो कलर है वो रख देंगे वाइट। ठीक, उसको हम कर देंगे सेंटर में अलाइन। ठीक है, ये आ गया हमारा सेंटर में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लीजेंड। लीजेंड मीन्स जो ये दिख रहा है आपको साइड में, ये अभी हम इसको करेंगे बॉटम सेंटर में, सबसे नीचे और सेंटर में करेंगे। तो लीजेंड जो हमारा होता है वो वैल्यूज के अंदर होता है, तो वैल्यूज पर क्लिक करेंगे, लीजेंड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सेंटर राइट लिखा है, इसको हम कर देंगे बॉटम सेंटर, तो ये हमारे सेंटर में आ गया। अब इसका हम कलर, तो कलर टेक्स्ट के अंदर होता है, तो हम जो कलर है उसको भी वाइट कर देंगे। ठीक है, और बोल्ड कर देंगे इसको, तो बोल्ड की जगह हम इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे।
ठीक है, ये आ गया। अब बचा हमारा जो डेटा दिख रहा है उसकी फॉर्मेटिंग और डेटा कैसे दिखाना है इसको, तो हम इस पर क्लिक करेंगे फिर से, और उसके बाद वापस विजुअल्स में जाएंगे, उसके बाद विजुअल्स एडिटिंग में जाएंगे, उसके बाद आप विजुअल के अंदर जाने के बाद आपको डिटेल लेबल्स दिखेगी, आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक, उसके अंदर आपको इसके अंदर ऑल डिटेल सिलेक्ट कर लेनी, जिसके अंदर हमको देखो ये दिखने लगा अभी ऑल। इसका जो कलर है वो वैल्यूज के अंदर आता है, और जो कलर हम है वो व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है हमारा तो। और उसके बाद हम इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे, बड़ा करने के बाद अब इसको एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमको यहाँ लगाना है इसको। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है ताकि हमारा डेटा इजीली दिखने लगे। ठीक है, तो ये दिखने लगा ट्रिप नेम ट्रिप वाइज। अभी अगर मैं डेट से इसको कम ज़्यादा करता हूँ तो ये डेटा भी कम ज़्यादा होगा। अभी आप देखिए ये देखिए कम ज़्यादा हो रहा है। फिर नेक्स्ट ग्राफ सीखेंगे कि नेक्स्ट वाला ग्राफ या चार्ट कैसे बनाना है। अगले चार्ट में हम लेंगे इंक्रीज डिक्रीज वाला चार्ट। ठीक है, तो वाटरफॉल चार्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ये आ गया हमारा चार्ट। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि इजी हमको दिखे कि हम क्या एडिट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा चार्ट आ गया। चार्ट के अंदर हम क्या डालेंगे, व्हीकल वाइज हमको इसके अंदर डेटा डालना है। सबसे पहले इसके अंदर हम डेट डाल देंगे। ठीक है, डेट में हमको ये सारी चीज़ें हटा देनी, ईयर क्वार्टर्स मंथ, सिर्फ हमको डे रखना है, और जो व्हीकल नंबर है उसको हम डाल देंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाएंगे इसके टाइटल पे। ठीक है, जैसे ही हम आएंगे टाइटल इसका हम एडिट करेंगे, टाइटल जनरल के अंदर है, टाइटल पे हम सबसे पहले नाम चेंज करेंगे, इसका नाम हम व्हीकल वाइज डेटा रख देंगे। तो इसका हम नाम लिख देते हैं पहले, व्हीकल वाइज डेटा। ठीक है, इसका नाम लिख दिया। अब नाम की हम फॉर्मेटिंग कर देंगे, नाम हम इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो ब्लैक रखने वाले हैं तो हम इसको व्हाइट कर देंगे। ठीक है, और इसको हम सेंटर में अलाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया। अभी हम आ जाते हैं इफेक्ट में। इफेक्ट के अंदर हम बैकग्राउंड सेट करेंगे, जो बैकग्राउंड है हम ब्लैक रखते आ रहे तो ब्लैक ही रखेंगे। ठीक है, वापस टाइटल में जाएंगे, टाइटल को हमको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा करने के बाद हम इसको सेंटर में कर देंगे। अब आ जाते हैं हम लीजेंड, जो नीचे दिख रहा है सेकेंड ऑप्शन, लीजेंड लीजेंड को हम इसको कर देंगे बंद क्योंकि हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विजुअल में जाएंगे और लीजेंड को हम कर देंगे ऑफ। ठीक है, तो लीजेंड हमारा ऑफ हो गया। ग्रिड लाइन की भी हमको ज़रूरत नहीं है तो ये ग्रिड लाइन को भी हम बंद कर देंगे। ठीक है, जो ये लाइन दिख रही थी वो बंद हो गई। ठीक है, अभी हमको जो ये साइड में डेटा दिख रहा है इसकी भी ज़रूरत है नीचे, बट ये जो टाइटल दिख रहे हैं उनके साथ में इनकी ज़रूरत नहीं, तो एक्स एक्सिस के अंदर हम जाके इसका टाइटल हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, वाई एक्सिस के अंदर जाके हम इसका भी टाइटल ऑफ कर देंगे। तो हमारे ये दोनों जो हमको जरूरत नहीं थी उन्हें हटा दिया। अब हमारा आ गया कलर, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमको कलर करना है। एक्स एक्सिस में जाके हम इसका जो कलर है वो हम वाइट कर देंगे और इसके पिक्सल हम थोड़े से बड़े कर देंगे। ठीक है, ये नीचे आप देखें बड़े हो गए और वाइट कलर हो गया। ठीक है, अभी हम जाएंगे वाई एक्सिस के अंदर। ठीक है, अब सेम उसमें भी यही करेंगे, वैल्यूज़ का हम जो है कलर वाइट कर देंगे। ये देखिए वाइट हो गया कलर। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो ये साइज भी बड़ा हो गया। ठीक है, अब बचा हमारा डिटेल्स, जो हमारे जो इसके ऊपर जो डेटा दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, वो हम सबसे पहले जाएंगे डिटेल्स में, विजुअल्स के अंदर जाएंगे। तो हमारा जो डिटेल्स वाला ऑप्शन है वो बंद है। ठीक है, तो डेटा लेबल्स हम कर देंगे ऑन। ऑन करते ही देखिए अब डेटा यहाँ पे कुछ कुछ आने लगा है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर जाएंगे, जो डेटा का वैल्यू का कलर है वो हम कर देंगे वाइट सेलेक्ट, ताकि ये ब्लैक बैकग्राउंड पे अच्छे से दिखने लगे। ठीक है, ये वाइट हमने सेलेक्ट कर दिया, इसको हमने बोल्ड कर दिया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अभी ये कुछ अंदर दिख रहा है कुछ बाहर दिख रहा है, तो हम उसको ऑटो की जगह हम उसको कर देंगे डिस्प्ले यूनिट, ये तो ऑटो ही रहेगा। ठीक है, पोजीशन,
पोजीशन में जाके हम इसको इनसाइड एंड कर देंगे तो ये अंदर की तरफ दिखने लगेगा। अब एक बार हम आउटसाइड एंड कर लेते हैं, नहीं आउटसाइड एंड में दिक्कत आ रहा है, उसके बाद हम इनसाइड एंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेटा दिखने लगा, तो ये हमारा एक और ग्राफ तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चार्ट देखेंगे हमारा, ठीक है, कि नेक्स्ट चार्ट अभी हम कैसे बनाएंगे। तो अगला चार्ट हम बनाएंगे कॉलम चार्ट, ठीक है। तो कॉलम चार्ट को हम ले लेंगे, यहाँ पे आ गया कॉलम चार्ट। अब इसके अंदर हम जो डालेंगे, सबसे पहले डाल देंगे इसके अंदर हम थोड़ा सा इमेज देख लेते हैं क्या थी हमारी इमेज में, ठीक है, ट्रांसपोर्टर में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर का हम सबसे पहले नाम डाल देंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टर का नाम आ गया। उसके बाद हम जो इसकी ट्रिप है वो लीजेंड में डाल देंगे, ठीक है, वो लीजेंड में हमारी ट्रिप आ गई, और इसका जो काउंट है हम वो वाई एक्सिस में डाल देंगे, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। अब इसमें क्या दिख रहा है, ट्रांसपोर्टर वाइज कौन सी गाड़ी किस स्टेट में कितनी गई है, ठीक है, वो दिखेगा इसमें। तो सेम प्रोसेस जो हमने नेक्स्ट पहले वाले ग्राफ में की थी वही इसमें करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर जनरल और इफेक्ट के अंदर होता है, जनरल में जाके इफेक्ट के अंदर हम इसका बैकग्राउंड का कलर जो है वो ब्लैक कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट, अब सबसे ऊपर हमारा टाइटल है, तो हम फिर अब टाइटल एडिट करेंगे, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद आपका जो टाइटल है आप उसको एडिट करना है, ठीक है। अभी हम जो इसमें डेटा का नाम लिखेंगे वो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रिप डेटा। अभी हम यहाँ जाएंगे ट्रिप डेटा, ठीक है, हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अब इसका जो कलर है हम वो कर देंगे वाइट, वाइट करने के बाद सेंटर, ठीक है, सेंटर कर दिया, ठीक है। अब सेकंड है हमारा लीजेंड, लीजेंड हम इसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, वाई एक्सेस और एक्सेस इसका टाइटल हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो विजुअल के अंदर जाएंगे, सेम वही जो हमारा एक्स एक्सिस है उसका हम टाइटल हम कर देंगे ऑफ, ठीक है। फिर हम जाएंगे वाई एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर जाने के बाद इसका भी हम टाइटल ऑफ कर देंगे, ठीक है, और इनको क्लोज कर देंगे, ठीक है। जो लीजेंट है उस लीजेंट को हम सबसे नीचे करना है हमको, बॉटम सेंटर में, ठीक है। तो ये पोजीशन पे क्लिक करके हम इसको कर देंगे बॉटम सेंटर, ठीक है। तो ये बॉटम में सेंटर पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद ग्रिड लाइन, हमको ग्रिड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम ग्रिड लाइन को कर देंगे ऑफ, ठीक है, ग्रिड लाइन को कर दिया हमने ऑफ। अब बचा हमारा बाकी का एडिटिंग। अब एडिटिंग में हमारा ये 10 5 0 दिख रहा है, इसको हमको थोड़ा वाइट करके बोल्ड करना है, ठीक है। तो हम वाई एक्सिस में जाएंगे, वैल्यूज में जाएंगे, वैल्यूज में जाने के बाद हम इसको कर देंगे वाइट, वाइट के बाद इसको बोल्ड, बोल्ड करने के बाद हम इसको थोड़ा कलर साइज बड़ा कर देंगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो वापस हम इसको ग्राफ पे क्लिक करेंगे, ये हमारा एडिट टूल है, इसमें हम जाएंगे तो एक्सेस एक्स एक्सेस के अंदर हम जाके इसको व्हाइट कलर सेलेक्ट कर देंगे। तो व्हाइट कलर में देखिए आप रोड लाइन्स वगैरह व्हाइट हो गए हैं, ठीक है। इसको हम बोल्ड कर देंगे और थोड़ा साइज इसका हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी ट्रिप नेम वगैरह जो दिख रहा था लीजेंड जिसको बोलते हैं, उसमें जाके हम इसका भी कलर चेंज कर देंगे। इस पर क्लिक किया, उसके बाद हमारा लीजेंड पे जाएंगे, लीजेंड के बाद हम टेक्स्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट के अंदर जो ये कलर है इसको हम कर देंगे वाइट, वाइट करते देखिए वाइट दिखने लगा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा साइज कर देंगे, बड़ा साइज करने के बाद ग्राफ को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ पूरा कर देंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर डेटा नहीं दिख रहा है कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। तो अभी हम इस पर क्लिक करके जो हमारा डेटा है, ठीक है, वो हम चालू कर देंगे। ये डेटा हमने ऑन कर दिया, बट इसका जो कलर है वो हमको करना पड़ेगा वरना दिखेगा नहीं, ठीक है। डेटा लेबल्स ऑन किया, ठीक है, ऑल कर दिया। ऑल करने के बाद हमने वैल्यूज में जाएंगे, वैल्यूज में जाने के बाद वाइट कलर कर दिया, वाइट कलर करने के बाद थोड़ा सा साइज हम उसका बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेटा भी दिखने लगा, विजुलाइजेशन का पूरा, ठीक है। इस तरीके से एक डैशबोर्ड हम रेडी कर सकते हैं। अगर अभी मैं यहाँ पे डेट वाइज अभी डेटा चेंज करना चाहता हूँ, तो ये डेट वाइज भी डेटा चेंज होगा कि 5 से 8 तारीख तक कितनी गाड़ियों का मूवमेंट हुआ है। उससे अगर कम करना चाहता हूँ तो 7 से 8 तारीख के बीच में कितना हुआ है, और अगर पूरा देखना चाहता हूँ तो मैं इन दोनों को खोल दूंगा, ठीक है। व्यू में जाके पहले मैं ऑब्जेक्ट को लॉक कर देता हूँ ताकि ये हम इजीली देख सकते हैं।
अगर आपका डैशबोर्ड बन गया है और आपको इसको दिखाना है तो आपको व्यू के अंदर जाना है। व्यू के अंदर जाने के बाद लॉक कर देना है ऑब्जेक्ट, तो आपके ये ऑब्जेक्ट फिर हिलेंगे नहीं, सिर्फ ये ग्राफिकल मूव करेंगे बट हिलेंगे नहीं। ठीक, जैसे अभी मेरे को ये 14 गाड़ी थी तो ये कहाँ गई है कैसे गई, तो अब जब इस पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये 14 गाड़ियों का ही डेटा दिखेगा।